नमस्कार, मेरा नाम है अंकित और आप देखना शुरू कर चुके हैं आयुत के सोशल मीडिया का खास एपिसोड सोशल हलचल, जहां हम बात करते हैं मध्य प्रदेश सहित देश और दुनिया की तमाम वायरल खबरों के बारे में। मध्य प्रदेश में एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। ये वीडियो है एक युवक और युवती के साथ मारपीट का वीडियो। आपको बता दें कि आज से लगभग एक हफ्ते पहले की ही बात है कि मध्य प्रदेश के इंदौर में कुछ पर्चे बांटे गए थे, जिनमें बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के खिलाफ तमाम प्रकार की अनर्गल बातें लिखी थी और कथित लव ट्रैप में मुस्लिम लड़कियों के फंसने वाली बात कही जा रही थी। ये मामला अभी ठंडा ही नहीं हुआ था, उसके तुरंत बाद ही रुझान आना शुरू हो गए हैं। मुस्लिमों की भीड़ ने, लगभग 40-50 लोगों ने इकट्ठे होकर एक हिंदू युवक पर इसलिए हमला कर दिया क्योंकि वह हिजाब पहने एक मुस्लिम युवती के साथ घूम रहा था। ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। सबसे पहले ये वायरल वीडियो देखिए, उसके बाद हम आगे की जानकारी आपको बताएंगे। दरअसल ये जो वायरल वीडियो आपने देखा, ये इंदौर के ग्वाल टोली क्षेत्र का है, जहां पर एक युवक भावेश नाम का अपनी मुस्लिम दोस्त के साथ होटल पर भोजन करने गया था। वहां से वापस आ रहा था तभी कुछ टोपीबाज लड़के उन दोनों को घेर लेते हैं। लड़की से पूछते हैं कि तुम्हें शरिया कानून नहीं पता, तुम्हें ये नहीं पता कि मुस्लिम लड़कियों को गैर मुस्लिम लड़कों के साथ नहीं घूमना चाहिए। और यह कहते हुए भावेश और उसकी दोस्त पर हमला कर दिया जाता है। हमला करने वाले कोई लोग एक दो नहीं बल्कि पूरे के पूरे 40 से 50 मुस्लिम थे। इन लोगों के द्वारा इस बच्ची पर और इस लड़के पर जमकर मारपीट की। बीच बचाव करने के लिए एक युवक आया, उस पर चाकू से हमला कर दिया। एक और कौन है आपको भी लगा? ये अकेला इंदौर का मामला नहीं है। ऐसा ही मामला बीते दिनों मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से सामने आया था, जहां की एक प्रसिद्ध दरगाह पर एक लिबरल भाई साहब दरगाह पर माथा टेकने पहुंचे थे अपनी मुस्लिम दोस्त के साथ। वहां भी मुस्लिमों की भीड़ ने, मुस्लिम युवाओं ने इन दोनों को घेर लिया और मुस्लिम लड़की को इस्लाम और शरीयत की बातें बताने लगे। कौम की बातें बताने लगे और युवक के साथ जमकर मारपीट कर दी। बता दें कि एक तरफ तो जहां अभी तक लव जिहाद को कुछ लोग फर्जी बताते हैं, लव जिहाद के जब मामले सामने आते हैं तो उनको दरकिनार कर दिया जाता है, लेकिन वहीं हमारा हिंदू समाज लव जिहाद को पूरे तरीके से, इंटेलेक्चुअल तरीके से बताता है, लेकिन दूसरी तरफ मुस्लिम समाज के ये लोग अभी कथित लव ट्रैप नाम का एक षड्यंत्र लेकर आए हैं और उस पर तुरंत ही रुझान उनके आना शुरू हो गए हैं। युवकों के साथ मारपीट होने लगी है और लड़कियों को परेशान किया जाने लगा है। इंदौर के इस मामले में तुकोगंज थाना क्षेत्र की पुलिस के द्वारा लगभग 40 से 50 लोगों पर FIR दर्ज की है और इस मामले में CM शिवराज सिंह चौहान ने भी सख्त निर्देश देते हुए इंदौर के कमिश्नर मकरंद देउस्कर को भी निर्देशित किया, जिसके बाद इंदौर पुलिस एक्शन में आई और 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। जो मुस्लिम समाज के लड़के थे, उन्होंने उस लड़के का पीछा किया और पीछा करने के बाद में उसके साथ मारपीट भी की। बचाने जो युवक आए थे उनके साथ बाद में हाथापाई की, मारपीट की और उनके पास चाकू भी थे, जिससे बचाने आए हुए युवकों पर उन्होंने हमला किया। पुलिस ने इसमें 307 का प्रकरण दर्ज कर लिया है और जितने भी आरोपी इसमें थे उनको नामजद किया जा रहा है। 7 आरोपी इसमें नामजद हो चुके हैं और 307 का प्रकरण थाना तुकों में पंजीकृत कर लिया गया है और जिस युवक ने चाकू से हमला किया था उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इन 6 लोगों को गिरफ्तार करने के बाद भी पुलिस ने अलग अलग इलाकों में दबिश दी है और कई लोगों को
पूछताछ के लिए पकड़ा भी है। बता दें कि ये जो सभी 40-50 लड़के थे, ये 40-50 लड़के इसी तरीके से युवकों को परेशान कर रहे हैं, ऐसा स्थानीय स्तर पर समाचारों के माध्यम से पता भी चला है। अब देखना ये होगा कि ये मामले कब थमते हैं, कब इन मामलों पर मध्य प्रदेश पुलिस लगाम लगा पाएगी और इस मामले में क्या अपडेट आती है। इस मामले से जुड़ी हुई हर एक छोटी बड़ी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए आयुध। आयुध के सोशल मीडिया हलचल को देखना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।